हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपकी अपने क्लास 12th के अकाउंटेंसी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन की जो श्योर शॉट आना ही आना है, यानी कि शेयर्स का वो क्वेश्चन जिसमें आपको फटाफट से कैपिटल रिजर्व निकालना होगा। तो काफी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर कोई ऐसा शॉर्टकट या कोई ऐसा मेथड या कोई ऐसी ट्रिक हमें बताइए कि हम जल्द से जल्द कैपिटल रिजर्व को निकाल सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वो टेक्निक जिससे आप फटाफट से कैपिटल रिजर्व को निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं रखेंगे और जल्दी से सीखेंगे कि किस तरह से आप कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हो। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा और दूसरे एग्जाम्पल में हम उस ट्रिक को अप्लाई करके देखेंगे फटाफट। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लगाया है जिसमें लिखा है, ए लिमिटेड कंपनी फोरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रूपी 10 ईच कॉमा रूपी 6 रूपी शेयर कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रूपी 2। तो जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कंपनी का 10 रुपए का शेयर है जिसमें से कंपनी ने 6 रुपए ही कॉल्ड करा है और कंपनी ने वो शेयर्स फोरफीट करे हैं बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रूपी 2। तो सबसे पहले आप हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर कंपनी ने 6 रुपए कॉल करे हैं यानी कि मंगवाए हैं और 2 रुपए फर्स्ट कॉल किसी ने पे नहीं करा तो हमें इसका मतलब कितने रुपए रिसीव हुए, रूपी 4। मैंने फटाफट से ये लिखा, द फोरफिटेड शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड एज फुल्ली पेड रूपी 7 ईच। ये हमारा होता है शेयर्स का री इशू प्राइस, यानी कि कंपनी ने इन शेयर्स को बाद में री इशू करा 7 रुपी में। तो आप फटाफट से इसको भी लिख लीजिए 7 रुपी। द प्रॉफिट ऑन री इशू इज, यानी कि वही कैपिटल रिजर्व कितना हुआ। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है फटाफट, 4 रुपी लिखा, 7 रुपी लिखा, दोनों को जोड़ो, ये आया 11 रुपए। आपका एक शेयर होता है 10 रुपए की फेस वैल्यू का, 10 को आप माइनस कर दो तो बचा 1 रुपए। तो ये आपका प्रॉफिट पर शेयर आ गया 1 रुपए। और अब जितने भी शेयर्स री इशू हुए हैं उनसे आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पर सारे ही शेयर्स री इशू हुए हैं यानी 100 शेयर्स, तो आप जब इन्हें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैपिटल रिजर्व का आंसर आ जाएगा। तो एक बार स्टेप्स को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले लिखने हैं आपको वो रुपए जो हमें मिल चुके हैं, कंपनी ने मांगे थे उससे 6 रुपए और 2 रुपए उसने दिए नहीं, यानी कि हमें मिले हैं टोटल 4 रुपए। उसके बाद हमें लिखना है जो भी हमारा री इशू प्राइस है, यानी कि कंपनी ने री इशू करे हैं शेयर 7 रुपए में, इन दोनों को आपने जोड़ लिया, ये आ गया 11 रुपए। और इसको माइनस करना है इसमें से जो भी आपके शेयर की फेस वैल्यू है यानी कि 10 रुपए, तो आपका बचा 1 रुपए। ये है आपका प्रॉफिट पर शेयर या कैपिटल रिजर्व कह लो पर शेयर। और जितने भी शेयर हम री इशू कर रहे हैं उससे हमने मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ रहा है 100। अब ये है बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन और इसमें हम वो टेक्निक अपना के देखते हैं कि क्या है। द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी रिजोल्व टू फोरफीट 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रूपी 10 ईच कॉमा रूपी 7.5 पेड अप। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि हमें 7.5 रुपए मिल चुके हैं शेयर होल्डर से। 700 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एट रूपी 7 पर शेयर, ये है हमारा री इशू प्राइस। तो हमें जितने रुपए मिले हैं और जो है हमारा री इशू प्राइस, इन दोनों को जोड़ना है, ये आया 14.5 रुपए। इसमें से माइनस करना है शेयर की फेस वैल्यू यानी कि 10 रुपए, ये बचा 4.5 रुपए। और कंपनी ने कितने शेयर्स री इशू करे हैं, 700 शेयर्स री इशू करे हैं। तो आप 700 शेयर से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो दिस इज योर कैपिटल रिजर्व। तो आप देख लो बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आपको फटाफट अगर कैपिटल रिजर्व निकालना है तो ये है आपकी टेक्निक। आप भी कुछ क्वेश्चंस में इसको ट्राई करके देखिएगा और थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड और फास्ट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।